नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बहरमंडी जिले के राशन डीलरों ने सौंपा ज्ञापन। लंबे समय से कमीशन की बढ़ोतरी को लेकर राशन डीलर कर रहे थे मांग। एक घंटे का सांकेतिक धरने की देकर प्रदर्शन किया गया। लंबे समय से राजस्थान सरकार की योजनाओं में आम जनता को मिल रहा है, लेकिन अब तक कमीशन की बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर आज सारे राशन डीलर एक जाजम पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं हमारे कमीशन को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगस्त में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। भवानी मिट्टी पंचायत समिति के भवानी मिट्टी शहर के राशन डीलरों ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। 2022 से केंद्र सरकार द्वारा 20 रुपए प्रति क्विंटल हमारा जो कमीशन बढ़ाया गया है वो अभी तक हमें लागू करके नहीं दिया गया है। वो भी हमें आज तारीख तक का कमीशन हमारे सभी राशन डीलरों को दिलवाया जाए। राजकुमार दुर्गाशंकर, राशन डीलर। हमारी सबसे मेन मुख्य समस्या में लगभग 6 महीनों से हमारे कमीशन जो राज्य सरकार द्वारा दे होता है वो 6 महीने हो गए, हमें अभी तक 1 रुपया भी हमारे अकाउंट में नहीं डाला गया है। और हम लगभग 4 महीने से इसकी मांग करते आ रहे हैं। और एक हमारी समस्या है, राज्य सरकार द्वारा जो फूड पैकेट वितरण की जो योजना लागू की गई है उसमें हमें 3 बार फिंगर लगाने के लिए आदेशित किया गया है। एक बार फिंगर लगाने में ही सर्वर और इंटरनेट की समस्याएं रहती है, फिर 3 बार लगाने में उपभोक्ता भी परेशान होंगे और राशन डीलरों को भी दिक्कत आएगी। और एक हमारा कमीशन वर्दी और मानदेय संबंधित मांग जो प्रदेश स्तर पर लंबित है वो हमारी मांग रखी गई है। और अकलेरा झालावाड़ शुक्रवार को शिक्षक बीएलओ संघर्ष समिति के आह्वान पर बीएलओ कार्यों के विरोध में जिले के बीएलओ शिक्षकों ने 12 जून से बीएलओ कार्य का बहिष्कार कर रखा है। शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त कराने की मांग की। साथ ही बीएलओ के कार्य के लिए पंचायत समिति शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को लगाने के लिए सलामी दी गई। नवनियुक्त बीएलओ को सर्वे कार्य में सहयोग कर सर्वे कार्य पूर्ण करवाने का आश्वासन भी दिया गया। शिक्षक बीएलओ ने 7 दिन में बीएलओ पद से नहीं हटाए जाने पर बीएलओ सामग्री चुनाव कार्यालय में सौंप कर जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुब्रा सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश प्रदान किए गए कि जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर अपने अपने क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों को देखते हुए एंटी लार्वल एंटी एडल्ट गतिविधियों प्रतिदिन करवाना हेतु पाबंदी किया गया। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देखराज मालन ने बताया कि वीसी में डेंगू मलेरिया अन्य मौसमी बीमारियों के रोगी मिलने पर आसपास के 50 घरों का सघन सर्वे करवाने उस क्षेत्र में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला स्तर पर भिजवाने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। खानपुर कस्बे के समतखेड़ी धाम हनुमान मंदिर प्रांगण में खानपुर बखानी विधानसभा के परमार मंडल की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा नेता अर्जुन सिंह गौड़ के नेतृत्व में महापंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई गाँव के युवाओं ने भाग लिया। भाजपा नेता अर्जुन सिंह गौड़ ने समतखेड़ी धाम हनुमान मंदिर प्रांगण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार से लोग परेशान हो गए, चारों ओर भ्रष्टाचार चरम पर है, घंटों तक विद्युत कटौती की जा रही है, इसके कारण लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों को समय पर बिजली नहीं मिलती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल शहर में जैन समाज के आह्वान पर आधा दिन सफल रहा। गत दिनों कर्नाटक में जैन संत काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के विरोध में जैन समाज के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान पर शहर में भी स्वैच्छिक बंद देखने को मिला। दोपहर 1 बजे बड़ा जैन मंदिर से जैन समाज की विशाल विरोध रैली शुरू हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में जैन समाज सहित अन्य समाज जनों ने भी लोग शामिल रहे। अधिकांश लोग हाथों में बैनर झंडिया लेकर चल रहे थे। जैन रैली एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचकर विनांजलि सभा में परिवर्तित हो गई, जिसे बड़ा मंदिर अध्यक्ष भूपेन जैन, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, कोमल चंद जैन, मुकेश मासूम, प्रदीप जैन, सुकुमार जैन, राकेश प्रेमी, संजय भैया पठारी ने संबोधित कर जैन संत की हत्या के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपराधियों को फांसी देने की मांग की। मंदसौर जिले के शामगढ़ में जैन समाज द्वारा आचार्य मुनि काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या के विरोध में जैन मंदिर से निकाली गई रैली में होती हुई रैली शामगढ़ थाने पहुंची, जहां तहसीलदार प्रतिभा भाभौर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के चिकोर घाट पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ में आचार्य मुनि काम कुमार नंदी जी की हत्या करते हुए उनके असामाजिक तत्वों द्वारा टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया था। इसका विरोध स्वरूप जैन समाज द्वारा आचार्य मुनि की हत्या करने वाले व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दिनांक 30/5/2020 को फरियादी इकबाल निवासी भैसोरा द्वारा पुलिस थाना भानपुरा पर अपने लड़के इशाक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर त्वरित कार्य करते हुए थाना भानपुरा चौकी भैसोरा मंडी पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश प्रारंभ की गई। तभी उप निरीक्षक
लाखन सिंह राजपूत को सूचना मिली थी कि भैसोना गांव में तलाई जाने वाले कच्चे रास्ते में कुएं में एक अज्ञात का शव मिला है, जिस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करते हुए मृतक इसाक निवासी भैसोना का होना पाया गया। मौके पर मृतक के पिता मोहम्मद इकबाल की निशानदेही पर देहाती नालसी लेक पर मर्ग कायम किया गया। पुलिस द्वारा शव का पीएम करवाए जाने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक की हत्या करने के प्रारंभिक साक्ष्य पाए जाने पर तत्कालीन थाना प्रभारी डीएसपी किरण चौहान को विवेचना के दौरान आकाश नायक, लखन माली, कैलाश मेघवाल, बेंसी मेघवाल, राजू उर्फ राजू कुमार मेघवाल निवासी भैसोना थाना भानपुरा द्वारा हत्या कर अपराध से बचने के लिए मृतक का शव कुएं में फेंके जाने के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। विवेचना के दौरान आरोपी के पिता से फिरौती की रकम मांगने के उद्देश्य से आरोपी गणों द्वारा इशाक का अपहरण कर हत्या कारित करना पाया गया। उक्त अंधे कत्ल का त्वरित खुलासा डीएसपी किरण चौहान उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत द्वारा किया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 302, 201, 365, 120 भी 72 में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक एसडीओपी भानपुरा सतीश वर्मा द्वारा प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ अधिकारी डीटीपी डीपीओ मंसूर के मार्गदर्शन में करते हुए महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य और साक्षियों के कथन न्यायालय के समक्ष करवाकर घटना को प्रमाणित करवाए गए, जिस पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश भानपुरा जितेंद्र कुमार पारसर द्वारा आरोपियों गणों को आकाश लखन को घटना का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मजदूर कल्याण समिति द्वारा मंदसौर बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से जिला कलेक्टर कार्यालय सुशासन भवन तक पहुंचाने हेतु नागरिकों के परिवहन व्यवस्था नहीं होने के कारण आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण अंचल से आने वाले महिला पुरुषों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिक्शा चालकों द्वारा मनमाफिक रूप से किराया वसूल किया जाता है। इस बात को लेकर मजदूर कल्याण समिति द्वारा सुशासन भवन पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पुरानी कृषि उपज मंडी के गोल चौराहे पर प्रशासन द्वारा गोडाउन दुकानें बनाकर नीलामी किए गए थे। व्यापारियों ने लाखों रुपए लगाकर दुकानें व गोडाउन खरीदे थे ताकि सुगमता के साथ अपना व्यापार व्यवसाय कर सके, लेकिन गोल चौराहे के सड़क पर लगने वाली सब्जी मंडी को भी इसी परिसर में शेड के नीचे बिठाया गया था, लेकिन फुटकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा कुछ दिन शेड से बैठने के बाद फिर से मंडी प्रांगण के मेन रोड पर बैठना प्रारंभ कर दिया है। दुकानदारों व गोदाम व्यापारियों की गाड़ियां भी निकल नहीं पाने से उनका व्यापार चौपट हो रहा है। व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत करने के बाद आज नगर पालिका की टीम फुटकर सब्जी विक्रेताओं को रोड से हटाने की पहुंची तो नगर पालिका के कर्मचारियों व फुटकर सब्जी विक्रेताओं का आक्रोश का सामना करना पड़ा। मणिपुर की घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने फायर फाइटर के माध्यम से पुतले पर पानी की बौछारें की और पुतली को बुझाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार है उन प्रदेशों में महिलाओं पर, बच्चियों पर, शोषित वंचितों पर अत्याचार किया जाता रहा। हाल ही में मणिपुर का महिलाओं जो अत्याचार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, उनके दोषियों के विरुद्ध आज सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा जाना है कि ऐसी घटनाएं सैकड़ों हैं, तो आप देखिए कि मणिपुर में महिलाओं के साथ भाजपा सरकार ने कितना अत्याचार कर रखा है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और पीएम को पुतले जलते ही पुलिस ने फाइटर की मदद से पुतले को बुझाया। खबरों फिलहाल इतने, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 इसके साथ। प्रवेश प्रारंभ। संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा, मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535।
मदर्स लैब ए प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिंस हियर एडमिशन ओपन नर्सरी एलकेजी एचकेजी बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस स्मॉल क्लास साइज लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान डेडिकेट टीचर एंड स्टाफ हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439 हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर वृंदावन गार्डन के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भवानी मंडी राजस्थान अब जमाना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं स्किल बेस्ड एजुकेशन का है ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल नर्सरी टू एट्थ क्लास इंग्लिश मीडियम एडमिशन ओपन लिंक रोड रामनगर पुलिया टू बायपास शांति श्री कॉलोनी भवानी मंडी मोबाइल नंबर 9033586728 9079167225 फॉर इन क्वालिटी हेड ऑफिस ब्राइट फेडर अकेडमी रामनगर भवानी मंडी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी 28 जून से सत्र प्रारंभ नवीन प्रवेश प्रारंभ कला वर्ग वाणिज्य वर्ग विज्ञान वर्ग कक्षा 1 से 8वीं तक निशुल्क प्रवेश मध्याह्न भोजन कक्षा 1 से 12वीं तक निशुल्क पुस्तकें अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा उच्च शिक्षा दी जाती है प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा जिनके मोबाइल नंबर हैं 9468959092 अनुपम श्रीवास्तव जिनके मोबाइल नंबर है 9680004103